सलामर्स करता हूँ व्यूअर्स, मेरे YouTube चैनल एच के मेन्यू में आपका तहे दिल से खैर मकदम है। व्यूअर्स, आज आपके साथ बड़ी प्यारी, कलरफुल, खट्टी मीठी, मज़ेदार किस्म की हम ग्रीन चटनी शेयर करेंगे, रेसिपी जो बहुत आसानी से बन जाने वाली है। मेरा एक स्टाइल अलग है और दो टिप्स जो है आपके लिए मेरे पास हैं कि किस तरीके से आपकी चटनी ग्रीन रहेगी जब तक आप इसकी चटनी आपकी ख़त्म नहीं होती, जब तक इसका कलर ख़राब नहीं होगा, जायका ख़राब नहीं होगा। तो स्पेशल आज की रेसिपी उन लोगों के लिए जो कमर्शियल काम करते हैं, उनके लिए बेहतरीन है। मैं इतने ही इंग्रेडिएंट्स डालूंगा कि अगर इसमें आप पानी डालेंगे तो आपकी चटनी का जायका बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो लिया है हमने 5 से 6 अदद लहसुन की कलियां, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा प्याज लिया है, 1 चम्मच लिया ज़ीरा का और 8 से 10 लिए हमने चने उबले हुए, 8 से 10 लिए हरी मिर्च बड़ी वाली, 1 गट्ठी ली हमने पुदीना की और 2 गट्ठी लिए हमने धनिया की और ये है आइस क्यूब 8 से 10 आइस क्यूब और चने ये डालने से इसका कलर बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। पानी शामिल नहीं करना, आइस क्यूब आपने डालनी है, आपकी चटनी का कलर ख़राब नहीं होगा बल्कि पहले से भी खूबसूरत कलर आएगा। इन सब चीज़ों को हमने पीस लिया है, जार लिया है, हमने शीशे का धो के बॉयल वाटर से साफ़ सुथरा बिल्कुल पानी साफ़ करके हम जितनी भी हमने चटनी बनाई है इसमें उंडेल देंगे और इसमें क्या शामिल करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप चटनी देखें कितना अच्छा कलर है और कितनी गाढ़ी है। लेमन डालेंगे हम, 1 लेमन इसमें डालेंगे, 7 ही शामिल करेंगे नमक हसबे जायका और वाइट विनेगर इसमें डालेंगे हम, 2 चम्मच डालेंगे बड़े, इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ेगी, जायका बहुत अच्छा होगा। तो आखिर में मैं डालूंगा चीनी के 2 चम्मच, आप नहीं डालना चाह रहे हैं तो नहीं डालिए, इसमें ज़रा बहुत मज़े का खट्टा मीठा जायका होता है और मिर्चों की जो तेज़ी है हरी मिर्च की इसको थोड़ा कम करती है। तो व्यूअर्स, बात यह है कि आपने अगर इसको थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करना है तो किस क्वांटिटी में डालेंगे, 1 चम्मच आप लेंगे चटनी का, 2 चम्मच आप लेंगे पानी के, इससे ज़्यादा पतला आप नहीं करेंगे तो आपका जायका चटनी का बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ना कलर ख़राब होगा। तो मैंने चने शामिल किए हैं और आइस क्यूब में इसको मैंने अच्छे से पीसा है जिसकी वजह से इसका ये ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, आपको फूड कलर बिल्कुल डालने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी बनानी हो 2 चीज़ें मस्ट आप शामिल करें। तो आपने देखा कि कितनी मज़े से हरी चटनी हमारी बनकर तैयार है। आप इसे बर्गर के लिए स्पेशल यूज़ कर सकते हैं, पिज़्ज़ा के लिए यूज़ कर सकते हैं, पकौड़े के साथ खाइए, दही में डालिए, रायता तैयार हो जाएगा। तो व्यूअर्स, आज की ये झटपट रेसिपी इख्तिताम को पहुंची। आप किस मुल्क से मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि मैं आपके लिए लाता हूँ मज़ेदार, कम खर्च में बेहतरीन रेसिपी। मैं हुसैन काज़मी आपसे इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ, अल्लाह पाक आपके दस्तरखान को हरा भरा रखे, अल्लाह पाक आपकी खुशियों को दोबाला करे और हमारे मुल्क पाकिस्तान को कायम दायम रखे ताकि आमद, आमीन सुम आमीन। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।